नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 6 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है, तो अभी आरजेडी और उनके समर्थकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा लालू यादव की जमानत के लिए। पर इस बीच तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उन्होंने लगातार हमला जारी रखा है नीतीश सरकार पर, बिहार सरकार पर, और वो लगातार महाजंगल राज कर राज बता रहे हैं बिहार में, और नीतीश कुमार को महाजंगल राज का महाराजा बता रहे हैं। और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फिर से नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है, पहले हम आपको बताते हैं। उन्होंने इस बार लिखा है ट्वीट में, बिहार में बीजेपी समर्थित अपराधियों का महाजंगल राज और जेडीयू संरक्षित गुंडों का दानव राज है। दो दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद बीजेपी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि अपराधी और पुलिस बेकाबू है, दोषी कौन? सवालों से भागिए मत, जनता को जवाब दीजिए। जो जंगल राज के नाम से डरा रहे थे उनसे भी पूछ लीजिए। तेजस्वी यादव ने दरअसल इस ट्वीट में नीतीश कुमार पर जो लगातार हमलावर रहे हैं, इस बार बीजेपी को भी पूरी तरह लपेटा है तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बताए दो दो डिप्टी सीएम है उसके सरकार के अंदर, तो वो जवाब दे। नीतीश कुमार से तो लगातार वो जवाब मांग ही रहे थे, और आज उन्होंने बीजेपी के दो डिप्टी सीएम जो हैं सरकार के अंदर, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनसे भी जवाब मांगा है। और बीजेपी के नेता जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार खुद अपनी सरकार को कटघरे में साबित खड़े करते रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों संजय जायसवाल जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बाद जब दरभंगा में 10 करोड़ की लूट हुई तो संजय सरागी जो वहां के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने सवाल उठाए थे लॉ एंड ऑर्डर पर। उसके बाद अश्विनी चौबे ने तो कह दिया कि भगवान भरोसे ही है, भगवान भला करे अपराधियों का, भगवान भला अपराधी का करेंगे, राम भला करेंगे कि अब अपराधी हल और हथियार के जगह हल उठाकर खेती करेंगे। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं तंज भी कस दिया था, या फिर कहा कहीं ना कहीं इशारे में बता दिया कि कहीं बिहार में भगवान भरोसे सरकार चल रही है। ये तमाम बातें सामने आई, और अब तेजस्वी ने हमला और भी तेज कर दिया है और बीजेपी से भी जवाब मांगा है इस बार तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है केवल आप सवाल उठाकर नहीं बच सकते, सरकार में आपके दो दो डिप्टी सीएम है, बीजेपी के दो दो डिप्टी सीएम है, बीजेपी की पूरी जिम्मेवारी है। दरअसल उन्होंने कह रहे हैं कि बीजेपी समर्थित अपराधियों का महाजंगल राज और जेडीयू संरक्षित गुंडों का दानव राज, मतलब महाजंगल राज भी है दानव राज भी है। दरअसल तेजस्वी यादव पर पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे सीधे जंगल राज के युवराज से विभूषित कर दिया था और कहा था। दरअसल बिहार के अंदर उन्होंने डर दिखाया था कि अगर फिर से आरजेडी की सरकार आ गई, फिर से महागठबंधन की सरकार आ गई, तो फिर जंगल राज आ जाएगा बिहार में। ये तमाम बातें कही थी उन्होंने, और उसके बाद से तेजस्वी यादव की सरकार तो नहीं बन सकी, फिर से एनडीए की सरकार वापस आ गई, तो अब तेजस्वी उसी जंगल राज को याद करते हुए बार बार महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं नीतीश सरकार को, और नीतीश कुमार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों बात भी करें तो कई घटनाएं ऐसी घटी जिस पर लॉ एंड ऑर्डर पर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे। दरअसल उधर नीतीश कुमार बैठक करते रहे और इधर अपराधी धड़ाधड़ घटनाओं को अंजाम देते रहे। जिस दिन 10 करोड़ की लूट हुई दरभंगा में, उस दिन नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की बैठक कर रहे थे। उसके पहले नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की तो रात में पटना में घटना हो गई, महिला की हत्या कर दी गई लूटपाट के दौरान। इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार आ रही है, हत्या की वारदात सामने आ रही है। बक्सर में एक आरजेडी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई, तो हत्या लूट और रंगदारी की वारदात सामने आ रही है। उस बीच पटना पुलिस की भी एक बड़ी करतूत सामने आ गई। पटना पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ा, रवि गोप को, पर उनकी करतूत, पुलिस की करतूत नहीं, पटना पुलिस की करतूत ने रवि गोप को फरार होने का मौका दिया। 24 घंटे के अंदर बेल मिल गई
और 48 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ गया, फिर वो फरार हो गया। तो ये तमाम बातें जो है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है और तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर, सरकार में जो पुलिस के रसूख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जंगल राज और महादानव दानव राज बता रहे हैं तेजस्वी यादव। तो लगातार तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है सरकार के खिलाफ, वो छोड़ेंगे नहीं, उनके जो तेवर हैं लगातार गर्म है और लगातार उन्हें मुद्दे भी मिल रहे हैं जो क्राइम के मुद्दे हैं, मतलब क्राइम के घटनाएं लगातार जो है बिहार में बढ़ती जा रही है और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है, बोलते चले जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तेजस्वी यादव रुकेंगे नहीं और उन्होंने आज तो बीजेपी पर भी सीधे सीधे हमला बोल दिया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसके जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।